हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है इनकम टैक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाई, जिसमें फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, दैन फिर हमने कुछ जो अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकम टैक्स के वो हमने पढ़े। तो अब जो आज की वीडियो है पार्ट नंबर 3, इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टैक्स रेट, कि क्या क्या किस किस टैक्स रेट से जो है टैक्स एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है, कंप्यूट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए टैक्स रेट देखिए। फर्स्ट है जनरल रेट्स। जनरल रेट्स देखिए, एक्सक्लूडिंग इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस नहीं आएंगे, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस एक्सेट्रा, इनको एक्सक्लूड करके जो जनरल रेट्स हैं वो क्या है देखिए। फर्स्ट है इंडिविजुअल के लिए, जो सीनियर सिटीजन पर्सन है, इंडिया के अंदर रहता है, रेजिडेंट इन इंडिया है, हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऑन 3 लाख, यानी कि 3 लाख तो उनकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, निल होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट जो 2 लाख रुपए होगा उस पर 5% रहेगी और नेक्स्ट 5 लाख पर 20% रहेगी और जो बैलेंस रहेगा उस पर 30% रहेगी टैक्स रेट, ठीक है। इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक एग्जम्पशन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जो इंडिया में रहते हैं और जिनकी एज 80 से ऊपर है, ठीक है। ऑन 5 लाख तक इनकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, निल रहेगा इस पर, कोई 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इन्हें। नेक्स्ट ऑन 5 लाख, नेक्स्ट जो 5 लाख है उनके ऊपर 20% देना पड़ेगा और जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर 30% पे करना पड़ेगा। आगे देखिए, अदर इंडिविजुअल HUF, कोई अदर इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके लिए देखिए 2.5 लाख तक मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट रहेगी, ठीक है, निल, और नेक्स्ट जो 2.5 लाख है उस पर 5% रहेगी, नेक्स्ट जो 5 लाख है उस पर 20% रहेगी और जो बैलेंस रहेगा उस पर 30% रहेगी। या फिर और इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम फॉर इंडिविजुअल, नए टैक्स रिजाइम के अंडर अगर हम टैक्स पेबल करते हैं प्रोग्रेसिव रेट्स पे करेंगे तो, और किसके लिए करेंगे ये, फॉर इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, फॉर फाइनेंशियल 2021-22 असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है, सेक्शन 115BAC, ठीक है, ये क्या है, नई स्लैब रेट, इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव रेट दे रखा है, जितनी इसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती जाएगी टैक्स रेट उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे ये टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख तो निल है, ठीक है, 2.5 से 5 लाख 5% हो गई, 5 लाख से 7.5% 10% हो गई, 7.5 से 10% 15% हो गई, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% हो गई, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% हो गई, 15 लाख एंड अबव वालों के लिए 30% हो गई, ठीक है। तो ये अलग न्यू स्लैब रेट बना गई है, किस लिए बनाई है, प्रोग्रेसिव रेट्स को दिखाने के लिए, कि भाई जो रिच पर्सन है उस पर टैक्स बर्डन ज़्यादा आए, जो नॉर्मल पर्सन है उस पर टैक्स बर्डन कम आए, ठीक है। इंडिविजुअल एंड HUF एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC आर नॉट लियबल टू पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो भी इंडिविजुअल और HUF जो ऑप्शन भाई ये पुट करते हैं कि उसे नए टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, तो वो लियबल नहीं होंगे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनको, ठीक है। आगे देखिए, अवेलिंग ए न्यू स्लैब रेट इज वन टाइम नॉन रेवोकेबल प्रोसेस है, फर्दर मोर इफ अवेलिंग दिस स्कीम एन इंडिविजुअल हैज़ टू फॉरगो ऑल टैक्स बेनिफिट प्रोवाइडेड फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि अगर कोई इसे चूज करेगा ना 115BAC को, उसको फिर कोई कंसेशन नहीं मिलेगी, लाइक लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी, एग्जेम्पशन ऑफ 1500 रुपये पर माइनर चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स एससी एंड अदर डिडक्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80C, 80D, ETTA, हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC, D2 और JJA शैल बी अलाउड, सिर्फ
उनको अलाउ कौन सी होगी, डिडक्शन 80CCD सेक्शन 280JJAA, ये सिर्फ अलाउ होगी उनको, और कोई भी डिडक्शन जो है उनको अलाउ नहीं होगी अगर वो ये नई टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग अगर स्लैब रेट चुनते हैं तो। ठीक है, एन इंडिविजुअल और HUF हु डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम वुड हैव एन ऑप्शन टू चूज आइदर ऑफ टू टैक्स रिजाइम ईच ईयर depending upon their tax liability under each of them. However, in respect of individual or undivided family, families having income, business income, the option once exercised cannot be withdrawn. अगर HUF family के मामले में बात करते हैं तो अगर एक बार उन्होंने option choose, देखो दो option है, एक पुरानी वाली जो हमारा income tax की slab rate है 5%, 20%, 30% वाली, और एक जो new regime के according जो tax rate है जो 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे वाली है जो progressive tax rate के ऊपर है, उन दोनों में से एक choose करना पड़ेगा। जो एक बार option choose कर लिया गया उसके बाद वो withdraw नहीं कर सकते उस option को। ठीक है, आगे है, इन सच अ केस एन ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड बी एप्लीकेबल फॉर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर एंड कैन बी विदड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज एंड अदर आफ्टर द इंडिविजुअल और HUF शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर सच इंडिविजुअल HUF सीजेस टू हैव एनी बिजनेस इनकम। यानी कि जब तक वो उसकी बिजनेस इनकम खत्म नहीं हो जाती, जब मान लो खत्म हो जाएगी तब वो कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर कोई ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो वो उसी पे रिजिड रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है न्यू टैक्स रिजाइम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग कितना जो है पैसा, मतलब कि आपको इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर कितना देना पड़ेगा। अगर देखिए इनकम टैक्स स्लैब्स दे रखी है आपको यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट है 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख तक की इनकम इसमें भी नील है और इसमें भी नील है। ठीक है, आगे है 2.5 लाख से 5 लाख, नए असेसमेंट ईयर में 5% है, इसमें भी 5% है, तो यानी 12,500 हो गया आपका पुराना। ठीक है, इस पर 12,500 रुपये लग गया। 5 लाख से 7.5 लाख पर है जो 10% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, तो जो 5 लाख से कितनी एक्सीड हो रही है, 7,50,000 में से 5 लाख गए, कितने हो गए 2.5 लाख, 2.5 लाख पर 10%। ठीक है, कितना हो गया 2,500 और 1,250 पहले का था, 1,250 प्लस में 2,500 कितना हो गया 37,500। ठीक है, इसमें 20% लगेगा, सीधा 20%, क्योंकि उसने दे रखा था कि नेक्स्ट जो 5 लाख है उस पर लगेगा 20% से, 5% के बाद सीधा 20% है। ठीक है, यहाँ तक 20% लगेगा, इन्होंने यहाँ पर 10 और 15 दे रखा है, तो यहाँ पर कम लगेगा इनको इंटरेस्ट, इनको 20% से पे करना पड़ेगा। 12,500 तो पहले का था, 5% से 20% और कर लो 5 लाख से जितना हुआ 2.5 लाख, 2.5 लाख पर 20% से कितना आ गया 5,000 रुपये, 5,000 12,500 में से ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये 62,500। ठीक है, 50,000 ऐड कर दोगे इसमें तो यहाँ आ गया 62,500, 12,500 पहले था और अब 50,000 और ऐड कर दिया तो आ गया यहाँ पर 62,500। ठीक है, तो 20% इसका नेक्स्ट का जो 7,50,000 से जो जितना ज़्यादा है, कितना है 7,50,000 से, यहाँ पे देखो 7 लाख और 10 लाख है, 10 लाख में से 7.5 लाख माइनस करोगे 2.5 लाख, 2.5 लाख का अगर 20% दोबारा 50,000 आ गया, 50,000 को इसमें ऐड कर दोगे, ऐसे ही यहाँ पर 10%, 15%, 20%, 25%, 30% लगेगी और यहाँ पर 20 और 30, क्योंकि बैलेंस में 30% लगता है लास्ट में, क्योंकि ये देखो ये वाली जो है वो ये स्लैब रेट है नील 5%, 20% और फिर 30%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल इनकम जो लग, देखो यहाँ पर इनकम टैक्स जो कंप्यूट हुआ, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो इनकम टैक्स कंप्यूट हुआ वो हुआ 1,87,500 प्लस में 30% 15,000 से ऊपर जितना भी आएगा उससे, और यहाँ पर देखो 2,62,000 और 30% 15 लाख से जितना भी अब आया, यानी 2,62,000 तो पहले का ही आ रहा है, यहाँ पर 1,87,500 है, तो कितना डिफरेंस है, ये ओल्ड वाले में था ये नए वाले में है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस किया गया है।
इसलिए नई ओल्ड जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसको देखते हुए कि थोड़ी ज़्यादा हमें जो इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसलिए न्यू टैक्स रिजाइम आ गया जिसमें प्रोग्रेसिव रेट, आप प्रोग्रेसिव रेट से टैक्स को पे करेंगे जिससे कि किसी पे ज़्यादा टैक्स बर्डन नहीं बनेगा। रिच पर्सन पे टैक्स बर्डन ज़्यादा बनेगा और नॉर्मल पर्सन पे कम बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, और एक चीज़ नोट ये है, देखियो अगर इंडिविजुअल ना नई टैक्स रिजाइम ऑप्ट करता है ना, दो देखो ये दो ऑप्शन है उनके पास, नई न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम। अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम को फॉलो करता है, ऑप्ट करता है, तो उसको वो सारी डिडक्शन को भूल जाए, विल हैव टू फॉरगो द मेजर डिडक्शन, मतलब वो भूल जाए, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको, इसमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अंडर द ओल्डर टैक्स रिजाइम इंडिविजुअल कैन स्टिल अवेल ऑल डिडक्शन, इस टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग उन्हें सारी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अगेन स्पेशल रेट्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम द टैक्स इज चार्ज एट अ स्पेसिफाइड फ्लैट रेट। देखो कौन कौन सी अलग से जो स्पेसिफाइड जो इनकम है हमारी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 111 ए के अंडर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% के हिसाब से हमें टैक्स कलेक्ट करेंगे, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% के हिसाब से, और गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई लिस्टेड शेयर से आपको गेन हुआ है तो वो 10% के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर जो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं 20% के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए के अंदर आते हैं उस पर 10% के हिसाब से लगेगा। ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस वगैरह से जो पैसा आता है वो हमारे पास 30% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने वेरियस टैक्स रेट्स ऑप्शंस को हमने पढ़ा कि किस तरीके से कितनी रेट पर टैक्स जो है प्रोवाइड किया जाता है, किसकी कितनी इनकम है उसके बेस पर इतने परसेंट से टैक्स लिया जाएगा, वो सब चीज़ हमने पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोशिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।